आपको ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाना बताती हूँ। कैसे बनाई जाती है? इसे हम सूजी और वेजिटेबल के साथ बनाएंगे, उसकी वजह से ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये हमने 2 कप सूजी लिए। सूजी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीन या मोटी। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है, हम सूजी को इसके अंदर डाल देते हैं। हमने ये 2 कप सूजी लिए तो हम इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे, आधी टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। अब पानी को मिक्स कर लेते हैं। अभी ये बैटर गाढ़ा है, अब हम इसके अंदर 1 कप पानी और डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। हमने 2 कप सूजी ली थी, इसीलिए हमने इसके अंदर 2 कप पानी डाला है। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया है, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब हम इस बैटर को 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया है, सूजी भी अभी फूलेगी। और बैटर को ढक देते हैं। 20 मिनट करीब हो गए, अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। अब ये सूजी भी फूल करके सेट हो गई है, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब हम इस बैटर से मिनी इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए अगर आपके पास इस टाइप का मिनी स्टैंड है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसकी भी जुगाड़ करेंगे। ये हमने बड़ी इडली बनाने वाले मोल्ड लिए हैं, ये तो सभी के घरों में होते हैं, हम इसी में मिनी इडली बनाएंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि इडली आसानी से निकल जाएंगी। ये हमने ऑयल लगा लिया है, अब हम दूसरे में भी ऑयल लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे में भी ऑयल लगा लिया है, अब हम इनको साइड में रख देते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर छोटे बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने आधे से भी कम बैटर इसमें निकाल लिया है। ये हमने इनो का पैकेट लिया है, अब हम इसके अंदर आधे से थोड़ा सा कम इनो इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनो को इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने आधे पैकेट से थोड़ा सा ज्यादा इनो बचा लिया है। इनो को इस बैटर में मिक्स कर देते हैं। हमें बैटर को हल्के हाथ से मिक्स करना है। आप देख पा रहे हैं बैटर फूल गया है। अब हम इसके अंदर 1 छोटी चम्मच बैटर को इडली स्टैंड में डालेंगे। इस तरीके से हम सभी में बैटर डालेंगे। अगर आपके पास छोटी कटोरी है तो आप इस इडली को छोटी कटोरी में भी बना सकते हैं। बैटर को स्टैंड में डाल दिया है, अब हम दूसरे स्टैंड में भी डाल देते हैं। और इधर हमने पानी बॉईल करने के लिए स्टीमर में रख दिया है, हमें ये काम जल्दी में करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को आप लाइक कर दीजिएगा। ये हमने दोनों स्टैंड में बैटर डाल दिया, अब इधर स्टीमर में पानी भी गर्म हो गया है, अब हम स्टैंड को इसके अंदर रख देते हैं। अब हम इडलियों को ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं। 10 मिनट करीब हो गए हैं। अब हम इडली को चेक करेंगे, इसके लिए हमने ये स्टिक लिए, स्टिक को हम इडली के अंदर डालेंगे। देखिए स्टिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये स्टीम हो गई है। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं, स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने इडली स्टैंड को बाहर निकाल लिया है, अभी इडलियां काफी गर्म है, अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब ये इडलियां ठंडी हो गई है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमें इस तरीके से स्पून से निकालना है। देखिए कितनी बढ़िया स्पंजी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए देखिए कितनी फूली फूली और जालीदार बनके तैयार हुई हैं।
इस तरीके से हम सभी इडलियां निकाल लेंगे। ये हमने सभी इडलियों को निकाल लिया है। अब जो बैटर बचा है हम उसकी भी बना लेते हैं। ये हमने सभी मिनी इडलियों को बना के तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इन इडलियों को किसी भी नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको इनको और भी ज्यादा टेस्टी बनाना है तो आप चाहे तो तड़का भी लगा सकते हैं। हम इन्हें और भी ज्यादा टेस्टी बनाएंगे, इसके लिए अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। हम इडली में तड़का लगाएंगे, इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर 2 चुटकी हींग डाल देते हैं, 1 टीस्पून राई। राई को तड़कने देते हैं। राई तड़कने लगी है, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून उड़द की दाल डालेंगे। यह हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे छोटे पीस में काट लिया, वो भी डाल देते हैं। थोड़े से करी पत्ते, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें हल्की सी भून गई हैं। ये हमने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे लंबे पीस में काट लिया, वो डाल देते हैं। प्याज को हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। अब ये प्याज भी हल्के गोल्डन कलर की भुन गई है, बस हमें इसी टाइप की भुनी हुई प्याज चाहिए। ये हमने एक छोटे साइज की शिमला मिर्च ली है जिसे लंबे पीस में काट लिया, वो भी डाल देते। 1 छोटे साइज की गाजर, इसे भी लंबे पीस में काट लिया है, वो भी डाल देते। अब हम सभी चीजों को 1 मिनट करीब भून लेते हैं जिससे कि ये सभी चीजें हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। हमें इन्हें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हमें इनको क्रंची ही रखना है जिससे कि ये खाने में टेस्टी लगेंगी। 1 मिनट करीब हो गया है, ये सभी चीजें हल्की सॉफ्ट हो गई है। ये हमने 1 कप पत्ता गोभी लिया है जिसे पतले पतले लंबे पीस में काट लिया, वो भी डाल देते और सभी चीजों को मिक्स कर लेते। हम इन इडलियों में हेल्दी और टेस्टी बना रहे हैं, इसीलिए हमने ये सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी सब्जी पसंद है वो डाल सकते हैं। अब हम गोभी को भी 1 मिनट करीब भून लेते हैं जिससे गोभी भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार। हमने नमक का इस्तेमाल इडली बनाने में भी किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप नमक का इस्तेमाल करें। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफेद वाले तिल डाल देते हैं। ये हमने 2 टीस्पून सावन मसाला लिया है, वो डाल देते। अगर आपके पास सावन मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पाव भाजी मसाला या मैगी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये सभी वेजिटेबल हल्की सॉफ्ट हो गई है, बस हमें इसी टाइप की सॉफ्ट वेजिटेबल चाहिए। अब हम इसके अंदर जो हमने इडली बनाई थी वो डाल देते। अब इडली को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इडली देखने में कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप भी इनको एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, आप इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना करके खा सकते हैं। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, धनिया को मिक्स कर देते हैं। अब ये इडलियां बनके तैयार हो गई है, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इडलियों को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया फ्राई इडली बनके तैयार हुई है, देखते ही हो रही है ना खाने की इच्छा। आप भी इनको बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये इडलियां कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये इडलियां आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इनको कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनके तैयार होगी और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते जिससे कि इडलियां देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया इडली बनके तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, हो रही है ना देखते ही खाने की इच्छा।
आप चाहे तो इन्हें इडली को चटनी के साथ खा सकते हैं और आप चाहे तो इन्हें बिना चटनी के भी खा सकते हैं। ये बिना चटनी के भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप इनको कब बना रहे हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।